एक घोड़ू तू 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 कितना गंदा लग रहा है तुझे। नहीं तुझे किसी की नजर ना लगी। अरे वाह दादा क्या बात है, लुकिंग वेरी हैंडसम। डाडो सिद्ध विराट दादा, वैसे आप इतना तैयार किसके लिए हुए हैं, हमें भी बता दो जरा। अरे भाई इसी का नाम तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है। विराट अपनी पत्नी के लिए तैयार हुआ है और सई अपने पति के लिए तैयार हो रही है। मस्त मस्त, ना तो हमें इस सब में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस लड़की को, वरना कब की वो तैयार होके आ भी चुकी होती। काकू मैं देख कर आती हूँ। करिश्मा तुम यहीं रुको। बाकी क्या तुम सई को लेकर आओगी प्लीज? हो सकता है उसे तैयार होने में तुम्हारी मदद की जरूरत हो। क्यों विराट, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सई को तैयार होने के लिए बाकी की हेल्प लेनी चाहिए? देखो घर में और भी तो बहुत लोग हैं जिससे वो हेल्प ले सकती है। बाकी भी तो इस घर का हिस्सा है आई, और इस घर के काम की जिम्मेदारी इस घर का कोई भी सदस्य ले सकता है कि नहीं आई? हाँ, वैसे क्या गलत कहा है विराट ने? पत्रलेखा कम से कम उस लड़की को ढंग से तैयार तो कर देगी। बाकी प्लीज एक बार देख कर आओगी? जाओ पत्रलेखा। अश्विनी तुम बार बार पत्रलेखा को ऐसे क्यों बोलती रहती हो? कुछ नहीं तो कम से कम वो विराट की दोस्त है, इस हैसियत से तो अच्छा बर्ताव करो उससे। शिवानी जी लड्डू के बॉक्सेस रसोई घर में ही है, प्लीज लेके आना प्लीज प्लीज। हो आई नहीं जी काकू। चलो मैडम। मोहित भट्ट जी अभी तक आए नहीं, प्लीज देखो ना। हो काकू कर तो। भाई डेकोरेशन वाले का फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। विराट बेटा पत्रलेखा को ऐसे कहने में मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी, मैंने सब परिवार के भलाई के लिए ही कहा है। मैं समझता हूँ आई, जरा आप भी सोचिए ना, बाकी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत परेशान है वो, और ऐसे में अगर उसके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे तो क्यों? तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारी आई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर सकती है? हाँ मैंने अगर पत्रलेखा को ऐसे कहा है तो उसकी जरूरत थी, वरना तो मैं चुप रहती ना। और आगे भी अगर इसकी जरूरत महसूस हुई तो जरूर कहूंगी। अरे देवा इतना ऊंचा खानदान, इतना बड़ा घर, इतने अच्छे लोग, नजर ना लगे तुझे मेरी बच्ची। चल अब जल्दी से दामा जी के नाम का हल्दी कुंकू मंगलसूत्र में भर, नीचे तेरा सब इंतजार कर रहे होंगे। आइए वो मैं तुम्हारे लिए गजरा लाई थी, मुझे तुम्हें लाने को बोला है तो मैं
खुद लगा लूंगी। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे विराट ने कहा था यहाँ आके देखने के लिए कि तुम तैयार हुई कि नहीं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम। मैं खुद नीचे आ जाऊंगी। मुझे विराट ने कहा है तुम्हें लाने के लिए, इसलिए जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे मैं खुद चली जाऊं। फिजूल की बातें बंद कर और जल्दी से दामा जी के नाम की हल्दी कुंकू अपने मंगलसूत्र में भर। करिश्मा जरा देखना तो सही अब तक तैयार हुई है कि नहीं। आ गई भाभी। खूब गोड़ दिसती है तू, है ना। चलो तोंड धुने की रस्म पूरी करते हैं। बस अरे हस्बैंड वाइफ इतनी दूर दूर, टिकड़े सरक पास जाके बैठ। चल सही। थैंक यू आई। ये रस्म एक तरफा। मुझे तो लगता है चौहान खानदान से ही सारे गिफ्ट तोहफे उपहार लिए जा रहे हैं। इसकी तरफ से तो कुछ आने से रहा है ना। सई की तरफ से मैं हूँ और इसके आबा, मेरे कमल दादा का आशीर्वाद भी है इसके साथ। मौशी, जब देने वाले के दिल में प्यार और इज्जत हो तो ये चांदी का सिक्का भी
जान से कम नहीं लगता। अरे उषा ताई, प्यार और रिश्तों की नींव तो इज्जत और अच्छी नीयत पर होती है। तोहफे का कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल होता है। सिक्का मेरा हो गया, सिक्का मेरा हो गया, मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी, सिक्का मेरा है। एक मिनट, देवयानी, देवी देवी सुनो मेरी बात सुनो, ये किसी और का तोहफा है, ऐसे लेते नहीं है, दे दो, दे दो ना। अरे ये तुम्हारे वीरू दादा का तोहफा है, तो वीरू दादा का तोहफा उसे वापस लौटा दो ना बेटा। ये वीरू का तोहफा है? हाँ। लेकिन वीरू के पास तो पहले से एक तोहफा है, उसके पास तो इतनी सुंदर सी सही है ना, तो फिर वीरू को तोहफे की क्या जरूरत है? है ना वीरू, तुझे इसकी जरूरत नहीं है ना? सही, एक बात बोलूं, मुझे भी है ना तेरे जैसे सुंदर सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होना है और तोड़ धोने की रस्म करना है। लेकिन इस घर में कोई मेरी शादी कराता ही नहीं है। तुझे पता है सही, मेरी भी शादी होने वाली थी, पर ये ना मेरी गंदी आई, मेरी शादी ही नहीं होने देती। वो मेरा पति है ना, वो खो गया था और कोई मेरे पति को ढूंढता ही नहीं है। देवयानी अपनी बकवास बंद कर और कमरे में जा। नहीं जाऊं। ताई, तुझे सिक्का पसंद आया ना, तू रख ले, खुश। सच्ची? मेरे सबसे प्यारा भाव, देखा आप लोगों ने, वीरू ने मुझे सिक्का दे दिया, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं दिया। पर ताई, तुझे सिक्के का ध्यान रखना पड़ेगा, मौशी ने बहुत प्यार से दिया है मुझे, रखेगी ना? पक्का। आई शपथ। आई शपथ। देवी, अब तो तुम्हें सिक्का मिल गया ना, तो जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। ओके, बाय सई, बाय वीरू। आई ताई, ऐसी क्यों, उनके साथ कुछ हुआ था क्या? ए लड़की, ना तुझे ये जानने की जरूरत है और ना ही पूछने का हक। चुपचाप अपना काम कर, समझ लो। काकू प्लीज। थैंक यू पाखी, सई को इतने अच्छे से तैयार करने के लिए। आई रियली होप तुम आगे भी ऐसे ही। क्यों विराट, सई की पूरी जिम्मेदारी तुमने ली है ना, अच्छा यही होगा कि उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की बजाय तुम खुद ले लो। आई, मुझे पाखी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए सई की जिम्मेदारी मैंने पाखी को दी है। आई ने तुम्हें एक तोहफा दिया आज, मौशी ने मुझे, अब मेरी बारी है सई। पीएमटी के रिजल्ट्स जल्द आने वाले हैं और नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में
तुम्हारा एडमिशन भी जल्दी हो जाएगा, और हाँ बाकी भी तुम्हारी मदद कर देगी पढ़ाई में। क्यों, बाकी डॉक्टर हैं क्या? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं आज तक खुद से पढ़ाई करती आई हूं, और वैसे भी जब वो डॉक्टर नहीं है तो मेडिकल स्टडीज में मेरी मदद कैसे करेंगी? सही कहा तुमने, पर सही तुम इस घर की सबसे छोटी हो, और छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर बात पे बहस की जाए। बाकी मैच्योर्ड है, समझदार है, उसने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, और उसमें हर्जी क्या है अगर बाकी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा गाइड कर ले। आपको इनके अलावा और कोई नहीं मिला मुझे लाइफ में गाइड करने के लिए? क्या हुआ मौशी, तू अपनी सारी अकल सारा दिमाग गढ़चिरौली में छोड़ आई है क्या? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? कितनी बार समझाया तुझे कि बड़ों को पलट के जवाब नहीं देते। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है मौशी। और आपने कौन सा मुझे पहली बार ऐसे बात करते हुए देखा है? गढ़चिरौली में तो मैं हमेशा ऐसे गढ़चिरौली नहीं है, नागपुर है तेरा ससुराल। अगर यहाँ तू ऐसे बात करेगी तो ये लोग क्या समझेंगे, कहेंगे कि कैसी लड़की है, बात करने की ना तमीज है ना अक्ल। मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा ये सोचकर ना ही मैं अपनी सोच बदलूंगी, और ना ही बात करने का तरीका। जगह बदली है, लोग बदले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बदल जाऊं। मैं ऐसी ही हूं और ऐसी ही रहूंगी। मेरे आबा ने मुझे ऐसे ही पाला है, और आबा हमेशा कहते थे बाड़ा ना कभी गलत करो और ना सहो। इसलिए इस घर में अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करेगा तो मैं जरूर बोलूंगी मौशी। आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। हाँ अरे देवा, पता नहीं ये लड़की यहाँ शांति से रह पाएगी भी या नहीं। आई, ये फोटोज खींचनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरत है। बाद में जब तुम दोनों ये तस्वीरें देखोगे ना, तब ये दिन हमेशा याद आएंगे। आई, अच्छी यादें तो दिल और दिमाग में रहती हैं, तस्वीरों में नहीं। भाभी अपना यहाँ बैठो। हाँ आप ना शोल्डर पे हाथ रख दो। करिश्मा ये सब? अरे हाँ बहुत अच्छा लगेगा दादा, एकदम रोमांटिक। जल्दी से क्लिक करो। वैसे आपकी आई ठीक कह रही है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब आप मुझे इन फोटोज में ही देख पाएंगे, वरना मेरी शक्ल का याद रहनी है आपको। यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। Very nice pose. Smile, please. Change position, please. अगर आपको मेरी जिम्मेदारी दिल से नहीं निभानी तो फिक्र मत करिए, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। वैसे भी ये शादी आपने मजबूरी में ही तो की है। One more, please. Smile. क्या बोरिंग बोरिंग से पोज कर रहे हो, ऐसे करो ना सही, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, अब लग रहा है रोमांटिक। जिम्मेदारी निभाने और फोटो खिंचवाने में बहुत फर्क है सही, और इन दोनों का फर्क समझने में तुम्हें
बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। स्माइल मैच्योर। बाकी की तरह